गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ कैरियर अकेडमी स्कूल पेनमाल। टुडे वी आर रीडिंग द टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज सेंटेंस बिल्डिंग। क्लास सिक्स, क्लास सेवन्थ एंड क्लास एट में टॉपिक कॉमन रूप से चलता है, हाउ टू मेक ए सेंटेंस, हाउ टू मेक ए सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में हम किस प्रकार से सेंटेंस को बिल्डअप करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू, देर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू अवर टेंस। कि टेंस के अकॉर्डिंग चार प्रकार के सेंटेंस है जो बिल्डअप किए जाते हैं। दीज आर अफर्मेटिव सेंटेंस, affirmative sentence, what is an affirmative sentence? तो अगर हम इसको हिंदी करें या और इसका मैं synonyms बताऊं तो जिसे हम कहेंगे positive sentence। क्या कहेंगे? positive sentence। तो ये इसके name से ही identify हो रहा है कि positive sentence means positive, सकारात्मक वाक्य। For example, जैसे सेंटेंस आया कि राम गोज टू हिज हाउस, हिज हाउस, इट इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। राम गोज टू हिज हाउस, राम अपने घर जाता है, सेंटेंस कैसा हुआ? अफर्मेटिव। सेकंड सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस, सेकंड टाइप नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव, नाम ही बता रहा है सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, जो सेंटेंस ना करता है, जो सेंटेंस ना करता है, मना करता है, इट इज नेगेटिव। जैसे राम गोज टू हिज हाउस, राम अपने घर जाता है। मैं आपसे कहूँ इसका नेगेटिव बनाओ तो आप क्या कहोगे? राम अपने घर नहीं जाता है, राम डजंट गो टू हिज हाउस। तो नेगेटिव क्या हुआ? राम does not go to his house। Third one is interrogative sentence। Interrogative sentence हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न आते ही आपके दिमाग में आएगा कि ये तो प्रश्न है, माने सेंटेंस को प्रश्न बनाना है। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाया तो सिंपल वे में अपना जो फॉर्मूला वो ये रहेगा कि द नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। थर्ड वन इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, हाउ टू मेक एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करें, हाउ टू मेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस? तो अकॉर्डिंग टू अवर इंग्लिश लैंग्वेज देर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट वन इज स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब एंड स्टार्ट फ्रॉम डब्ल्यू एच वर्ड। ऐसे सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाले और ऐसे सेंटेंस जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होने वाले। इंग्लिश में दो प्रकार के सेंटेंस से इंट्रोगेटिव बनेगा तो उसके आंसर भी टू टाइप्स के होंगे। कैसे? तो कि ऐसा सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, जैसे इसी सेंटेंस को मैं अगर इंट्रोगेटिव बनाऊँ तो ये सेंटेंस क्या बना कि डज राम गो टू हिज हाउस, डज राम गो टू हिज हाउस। इसमें मैंने क्या किया कि इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा। ठीक है, कि जब हम सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है, जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से बाद आएगी उसी हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आपको सब्जेक्ट से पहले लिखना है।
तो जब हेल्पिंग और सब्जेक्ट के बाद है इट इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस, और हेल्पिंग और अदर सब्जेक्ट से पहले है तो इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट। हाँ, एक चीज और कि जब हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न शुरू होगा तो जब हम उसका आंसर देने जाएंगे, जब हम उसका आंसर करेंगे तो वो आंसर किसमें आएगा? यस या नो में आएगा। किसमें आएगा? यस या नो में। तो पहले तो हम देख रहे हैं सेंटेंस को बिल्डअप करना, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बना, आंसर देना वो बात का विषय है। फिर भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाते हैं और हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पुटअप होता है तो उसका आंसर यस या नो में दिया जाता है। फिर सेकेंड टाइप है अपना डब्ल्यू एच वर्ड से भी क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज डब्ल्यू एच वर्ड क्या है। तो डब्ल्यू एच वर्ड ऐसे शब्द है जो हमारे यू कहे के प्रश्न बनाने के काम आते हैं। कौन कौन से? जैसे कि हु, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, ये शब्द आपने सुने होंगे। इनका अलग अलग यूजेज होता है। फिर हम इसको क्या बनाते हैं? क्वेश्चन बनाते हैं। वो रहेगा अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड इज नेगेटिव, थर्ड इज इंट्रोगेटिव, एंड लास्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें दो सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। सेंटेंस को इंट्रोगेटिव भी बनाना है और साथ में उसको नेगेटिव मीन भी देना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला लगाना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव का फॉर्मूला लगाना। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को समझे, सेंटेंस था राम गोज टू हिज हाउस, ठीक है। फिर मैंने कहा मेक नेगेटिव, तो नेगेटिव बना राम डज नॉट गो टू हिज हाउस। नियम क्या आया कि नॉट है जो कहाँ जोड़ना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद में जोड़ना है। इंट्रोगेटिव बनाया तो फॉर्मूला क्या आया? इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब वाले के फॉर्मूला क्या आया कि जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में है यहाँ पर, ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब आपको सब्जेक्ट के पहले लगानी है, ठीक है। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब तो आपको आगे ही रखनी है सब्जेक्ट से, तब वो बनेगा आपका इंट्रोगेटिव। नेगेटिव के लिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? नॉट जोड़ना पड़ेगा। तो सेंटेंस इस प्रकार से बिल्डअप होगा, डज राम नॉट गो टू हिज हाउस, ठीक है। अगर मैं उन चारों सेंटेंसों का अगर हम हिंदी अनुवाद करें, हिंदी ट्रांसलेशन करें तो क्या होगा कि राम गोज टू हिज हाउस, राम अपने घर जाता है। राम डजंट गो टू हिज हाउस, राम अपने घर नहीं जाता है। डज राम गो टू हिज हाउस, क्या राम अपने घर जाता है। फिर नेक्स्ट बनाया डज राम नॉट गो टू हिज हाउस, क्या राम अपने घर नहीं जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ये अपने इस प्रकार के सेंटेंस है जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। जब हम इसके बाद जब हमारा हम टॉपिक शुरू करेंगे टेंस वाला, इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे मेन टॉपिक जब हम शुरू करेंगे टेंसेज, तो टेंसेज में ये सभी चीज़ें आएगी, किस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस का बिल्डअप करना है, किस प्रकार से नेगेटिव करना है, किस प्रकार से इंट्रोगेटिव करना है। क्योंकि अगर हम इस इंग्लिश का स्पोकन भी करें उसमें भी आपको सेंटेंस तो आखिर में बोलने पड़ेंगे। तो सेंटेंस बोलते समय जब ये चीज़ें हमारे पास क्लियर हो जाएगी कि अफर्मेटिव सेंटेंस बोले तो अफर्मेटिव को अफर्मेटिव के हिसाब से बोलना है, नेगेटिव को नेगेटिव के हिसाब से बोलना है, इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव के हिसाब से। अब इसके बाद का टॉपिक अपने नेक्स्ट क्लास में ये रहेगा कि सेंटेंस बिल्डअप को हमने देख तो लिया कि ये इतने प्रकार के सेंटेंस होते, अब इनका बिल्डअप वास्तव में होता कैसे है, ये किस प्रकार से सीक्वेंस में आते हैं, सब्जेक्ट कब लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट कब लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट होता कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वर्ब क्या आएगी, वो रहेगा अपनी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो जो भी आज हमने देखा है उसको अपनी कॉपी में नोट करें और नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक से रिलेटेड सेंटेंसों को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।